हो गया, सबने इतना लिख दिया। अब सुनो एक बार ध्यान से, बोर्ड पे देखो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो ग्राफ बनाते हैं। एक बनाते हैं y इक्वल टू e की पावर मॉड x का, एक और बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सुनो भाई, सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए मैं y इक्वल टू e की पावर मॉड x का ग्राफ बना रहा हूं। तो e की पावर x का ग्राफ बनाए थे, तो ये हमने e की पावर x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये 0,0 कुछ, तो ये 1, e हो गया, ठीक है। और ये 2, e स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन ऐसे, ठीक है। ये -1,1/e, ठीक है, ये लिख देते हैं। ये मैंने अब 3-4 पॉइंट बना दिए, ठीक है। तो एक तो कौन सा बना दिया, 1, e, 2, e^2, -1, 1/e, ये मैंने 3 पॉइंट प्लॉट कर दिया। देखो y is equal to e की पावर मॉड x जो है, इसका बेसिक ग्राफ क्या है, y is equal to e की पावर x, ये इसका बेसिक ग्राफ है। तो e की पावर x हमने बना लिया, अब इससे समझाते हैं। जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अबे जीरो इसमें x में पुट करना है, e में नहीं। e की पावर जीरो कितना आएगा, 1 आ गया भाई। ये तो 1 ऑलरेडी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये तो एज इट इज ही रह रहा है, ठीक है। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e आएगी, तो 1 पर भी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। 2 पर कितनी वैल्यू आएगी, e स्क्वायर, ये भी एज इट इज ही रहेगा। -1 अब पुट करो इसमें मैंग जी, वो e आ जाएगी। तो -1 पर ये वैल्यू नहीं आ रही है, -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, e आ जाएगी। -2 पे कितनी वैल्यू आएगी, e स्क्वायर आ जाएगी। तो -2 पे ये वाली वैल्यू आएगी, -2, e स्क्वायर। तो आपको, अगर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई जब x आपका नेगेटिव होगा तो e की पावर -x बनेगा, और जब x पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा, e की पावर x बनेगा। तो 0 और पॉजिटिव के लिए तो e की पावर x ही रहेगा, बट 0 नेगेटिव पर ये तो e की पावर x बना हुआ है ना। अभी x नेगेटिव पर ये किसका ग्राफ बना हुआ है, e की पावर x, ये तो बनना ही नहीं है। कौन सा बनेगा इसकी जगह पे, e की पावर माइनस एक्स कैसे बनता है, इसका मिरर अबाउट y ले लो। तो आपका ये ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये अब आपको क्या कर देना है, ये आपका पार्ट हट जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये हट जाएगा। तो आपका जो फाइनल ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला, यहां से ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसके बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसमें। सबको समझ आ गया। तो अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान दीजिए इधर, कि हमने राइट हैंड साइड वाला तो रिटेन कर लिया, बट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर जो राइट हैंड साइड वाला था उसी का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। कि भाई आपने क्या किया, ये e की पावर x का जो ग्राफ था उसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट रिटेन कर लिया, इसके लेफ्ट वाले पार्ट को हटा दिया, फिर राइट वाले पार्ट का इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। तो इसका जो हम शॉर्टकट बनाते हैं वो हम लिखते हैं reject left half and take mirror of right and left। अच्छा बोर्ड पे देखना एक बार सब लोग, एक चीज और सुनो। अब लेफ्ट हाफ राइट हाफ, अब कोई बोलेगा सर ये राइट लेफ्ट क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। जो y के इधर वाला पार्ट है वो क्या है, राइट हाफ, y के इधर वाला पार्ट है लेफ्ट हाफ, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट अपर हाफ, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट लोअर हाफ, वो मॉड y और मॉड f of x में भी यूज होगा। तो अभी आपको क्लियर हो रहा है, राइट हाफ कौन सा है, y एक्सिस के राइट वाला राइट हाफ, y एक्सिस के लेफ्ट वाला लेफ्ट हाफ, x एक्सिस के ऊपर अपर हाफ, x एक्सिस के नीचे लोअर हाफ। तो क्या बोला आपने, ग्राफ बनाया आपने जल्दी से, क्या बोला, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ को रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या किया, राइट को लेफ्ट में ले जाना है। तो अरविंद जी, फाइनल ग्राफ आपका कौन सा होगा, जो ये मैंने ऐसे ऐसे बना रखा है, ये वाला अपना क्या है फाइनल ग्राफ, इस वाले को तेरे को क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, देखो बोर्ड पे देखो। अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं, y is equal to ln of mod x, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ इसका क्या बनेगा, बेसिक ग्राफ कौन सा बनेगा इसका, y is equal to ln x का ग्राफ बनेगा। तो आपने y is equal to ln x का बना दिया सबसे पहले, तो y is equal to ln x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका एसिम्प्टोट कौन सा है इस ग्राफ का, वर्टिकल एसिम्प्टोट है y एक्सिस, ठीक है। अब आपने पहले तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सीखते हैं इस पे। उसने क्या बोला हुआ है, भाई अगर तेरे को ln x से ln of mod x बनाना है। हाँ भाई लवकेश, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, x टू mod x जैसे इसने बताया, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, x टू mod x।
तो क्या करना है इसमें, ln x का ग्राफ है ये, जैसे इसमें क्या बोला हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, जैसे इसमें बोला है, अब देखो हाँ ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ एंड टेक मिरर ऑफ राइट एंड लेफ्ट, अब यहाँ लेफ्ट तो है नहीं, तो ये नीचे ये वाला रिजेक्ट कर दें, तो बताओ यार अंदर चलिए, देखो यही मैं जो नजर देखो मेरे को पता है कुछ कुछ ऐसे होने यार बच्चे, देखो जो लिखा है वही करना है, जो लिखा है वही करना है, उसमें लिखा है लेफ्ट हाफ हटाना है तो लेफ्ट हाफ ही हटाना है रविंदर जी, ऐसे नहीं भाई जो मन कर रहा है वो हटा दे, ठीक है। तो अब इसमें लेफ्ट हाफ सुनो, y इज इक्वल टू एल एन एक्स से जब एल एन ऑफ मॉड एक्स आप बना रहे हो तो क्या बोला हुआ है, लेफ्ट हाफ रिजेक्ट करो, टेक मिरर ऑफ राइट एंड लेफ्ट, अगर लेफ्ट हाफ होता तो हम हटा देते, अब लेफ्ट हाफ नहीं है हरिंदर तो कोई दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, तो जो अब लेफ्ट हाफ होता तो उसको हटाते, अब नहीं है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है इसी का मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये अपना ग्राफ क्या आ जाएगा, -1, 0 से पास करेगा, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। बाकी किसी को ये डाउट हो रहा, अब मन में ये डाउट भी आता है पार्थ, जैसे ये डाउट आ सकता है कि सर इसका डोमेन तो होता था x पॉजिटिव, इस ग्राफ का डोमेन क्या होता था x ग्रेटर देन 0, तो इसका डोमेन क्या होगा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे बोर्ड पे देखना एक बार, ln ऑफ -x फॉर x लेस देन 0, ln ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो ln ऑफ -x फॉर x लेस देन 0, ln x फॉर x ग्रेटर देन 0, तो इसको देख के समझ आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर इसका डोमेन है, फिर जीरो से इन्फिनिटी भी इसका डोमेन है, ये फंक्शन है ऑलरेडी, तो ये जो ln mod x का जो ग्राफ है इसका डोमेन हो गया x belongs to r minus 0 और रेंज क्या हो जाएगी y belongs to r, ठीक है पार्ट क्लियर हो गया, y is equal to f of x to y is equal to mod of f of x, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो बोर्ड पे सब लोग, अब ध्यान से, y is equal to f of x to y is equal to mod of f of x, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं mod of ln x का, ठीक है सिंपल सा ग्राफ है आपको आते ही ऑलरेडी। अब mod क्या करता है, हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो बहुत सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या करेंगे पहले हम कौन सा ग्राफ बना लेते हैं, तो पहले हम ln x का ग्राफ बना लेंगे जो बेसिक ग्राफ है हमारे पास, तो ये ln x का ग्राफ हो गया, कुछ इस शेप का जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें मॉड लगाना है, तो मॉड सिंपल है, बहुत ही लॉजिक सिंपल है इसका, कैसे बनेगा ये, जैसे ये वन ई पर इसकी वैल्यू वन आएगी, ई कॉमा वन हो गया, ठीक है सॉरी वन पर एल एन एक्स है ना, हाँ ठीक है, ई पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ई की पावर टू पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई की पावर टू कॉमा टू, ठीक है, वन बाई ई पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई ई कॉमा माइनस वन, ऐसे आएंगी इसकी वैल्यूज, बट जब आप मॉड लोगे, अब इस वैल्यू का मॉड लोगे 1 बाई ई पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पे चली जाएगी, समझ रहे हो सब लोग, ऐसे 1 बाई ई स्क्वायर पर इसकी वैल्यू माइनस 2 आ रही होगी वो 2 हो जाएगी, इसका मॉड लोगे तो एज इट इज रहेगी, मतलब e पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 रहेगी, 1 का मॉड ले लो वो भी 1 ही रहेगा, ई स्क्वायर पुट करोगे तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, मतलब जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है वो तो आपका एज इट इज रह रहा है, बट जो नीचे वाला ग्राफ है वो कहां चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये ग्राफ ऊपर ऐसे ले जाना है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने ये नीचे वाले ग्राफ को हटा दिया तो ये ग्राफ हटकर ऊपर चला गया, ठीक है, सब क्लियर हो रही है वाली बात, तो ये आपका फाइनल ग्राफ आ जाएगा। तो अरविंद जी कौन सा आपका फाइनल ग्राफ होगा, समझ आ गया, जो ये हमने जो करली वाला ऐसा बना दिया वो वाला ग्राफ फाइनल ग्राफ हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे फ्लिप लोअर हाफ, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखते हैं फ्लिप लोअर हाफ इनटू अपर हाफ, फ्लिप लोअर हाफ इनटू अपर हाफ, सबको ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी ग्राफ, लोअर हाफ का मतलब क्लियर है जो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, तो जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उसको आपको हटा के क्या करना है, ऊपर ले जाना है, तो फ्लिप लोअर हाफ इनटू अपर हाफ कर देना है, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर एक्स बनाना है, हाँ तो ये e की पावर x का ग्राफ है, तो ये 0,1 हो गया, ठीक है। अब हमें बनाना है मॉड ऑफ e की पावर x, तो हाँ हरिंदर जी आपने कैसे ऑब्जर्व किया, सर इसमें वो लोअर हाफ तो
ग्राफ नहीं होगा तो कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई लोअर हाफ नहीं आ रहा, सर ने तो बताया लोअर हाफ को फ्लिप करना है। तो उसका मतलब यही है कि जब लोअर हाफ होगा तो उसको फ्लिप करके अपर में ले जाओ, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। हर्ष ये आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि भाई ये इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। e की पावर x की रेंज होती है 0 से इनफिनिटी, याद है तेरे को आदित्य? e की पावर x की रेंज होती है 0 से इनफिनिटी, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉड लोगे तो डायरेक्ट आपको वैसे ही पता होना चाहिए तो e की पावर x ही आएगा, ठीक है? तो इसीलिए मॉड लेने पर इस पर कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है हर्षित? ठीक है, एक और बनाते हैं मॉड sin x। अब आपको क्या करना है, ये sin x का ग्राफ बनाया डॉटेड से, अब आपको क्या करना है मॉड sin x, तो क्या कहते हैं फ्लिप लोअर इनटू अपर, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा ये ग्राफ? ये तो एज इट इज ही रिटेन होगा, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा, और ये नीचे वाला पोर्शन फिर ऊपर जाएगा तो ऐसे, ठीक है? ये वाला नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये एज इट इज ही रिटेन होगा, फिर ये वाला ऊपर ऐसे जाएगा, ये एज इट इज ही रिटेन होगा, ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है? तो ये ग्राफ क्लियर हो गया सबको, ये फंक्शन है कि नहीं है? है, वर्टिकल लाइन खींचोगे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये फंक्शन है। डोमेन क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू r, रेंज क्या हो जाएगी क्लोज 0 से 1, सबको क्लियर हो रहा है? इसकी रेंज हो जाएगी क्लोज 0 से 1। पीरियड कितना हो जाएगा इसका, पाई, तो पीरियड इसका पाई हो जाएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर हो गई, एफ ऑफ एक्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स भी क्लियर हो गया, अब वाई टू मॉड वाई पे आते हैं। अच्छा, ये हमने बना दिया वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, अब बोर्ड पे देखना सब लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, वाई टू मॉड वाई, तो मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बना लिया वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि फिर उसके बाद देखेंगे कि बन कैसे रहा है, फिर उसका शॉर्टकट लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, साइन एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। सबको ये बात क्लियर हो रही है कि साइन एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू को 3 पाई बाय 2 डाल के देखो, कुछ पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब एक्स को 3 पाई बाय 2 डालेंगे तो मॉड वाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल। सबको समझ आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है जहां पे साइन एक्स नेगेटिव है वहां पे आपका ग्राफ नहीं बनेगा, जहां पे भी साइन एक्स नेगेटिव है वहां पे आपका ये ग्राफ नहीं बन सकता। सबको ये बात क्लियर हो रही है अरविंद जी? जैसे 3 पाई बाय 2 पे नहीं बनेगा, माइनस पाई बाय 2 पे बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस पाई बाय 2 पे भी क्या होगा, मॉड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1, वहां पे भी ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो मुझे चाहिए नहीं, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। सबको ये बात क्लियर हो गई? क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए। तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए जहां पे साइन एक्स क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ये क्लियर हो गया सबको कि साइन एक्स हमें क्या चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए, ठीक है जी? तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे ग्राफ नहीं बन रहा है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू, अब पाई बाय टू देखते हैं, सिंपल सिंपल से वैल्यू ले रहे हैं। एक्स इक्वल टू पाई बाय टू में क्या होगा, आपका मॉड वाई किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर, क्योंकि साइन पाई बाय टू इज वन। तो आयुष जी, वाई की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आ जाए, दो ही आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, कौन कौन सी? हाँ, y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी प्लस वन और माइनस वन। इसका क्या मतलब हुआ कि पाई बाय टू पे अगर आप देखोगे तो आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, कौन कौन सा, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा पाई बाय टू कॉमा वन, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा पाई बाय टू कॉमा माइनस वन। तो अभी आपने कितना बना रखा है, अभी तो एक ही बना रखा है, तो एक आपका यहाँ पे नीचे भी आएगा, ठीक है? ऐसे मैं x इक्वल टू पाई बाय थ्री लेता हूँ, x को पाई बाय थ्री ले लेते हैं, तो मॉड y किसके बराबर आ जाएगा, साइन 60 रूट 3 बाई टू। तो अब y की फिर दो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक पाई बाय 3 पे एक तो रूट 3 बाई टू आ रही थी, एक क्या आ जाएगी, माइनस रूट 3 बाई टू आ जाएगी। समझ रहे हो सब लोग? ऐसे पाई माइनस 2 पाई बाय 3 पे भी क्या होगा, एक रूट 3 बाई टू आएगी, एक माइनस रूट 3 बाई टू आएगी। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए दो वैल्यू आने लग जाएंगी, ठीक है? ऐसे इधर भी होगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1 भी आएगी और माइनस 1 भी आएगी। तो ये वाले पोर्शन की भी क्या होंगी, दो वैल्यू आने लग जाएंगी। इस वाले पोर्शन में भी क्या होगा, दो वैल्यू आने लग जाएंगी। समझ आ रहे सबको? तो इसका जो फाइनल ग्राफ होगा, इसका फाइनल ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला पोर्शन इसका हटेगा, ये वाला पोर्शन भी इसका हट जाएगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन भी इसका हट जाएगा, ये वाला पोर्शन भी इसका हटेगा, और जो पोर्शन इसका बना हुआ है उसी का क्या होगा, मिरर इमेज नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा।
सबको समझ आ रहा है, और ये इधर ऐसे डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखें इसमें हो क्या रहा है, हमको रिजेक्ट लोअर हाफ करना पड़ेगा। रिजेक्ट लोअर हाफ क्यों हम रिजेक्ट लोअर हाफ कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला पोर्शन क्या होगा आपका नेगेटिव। तो रिजेक्ट लोअर हाफ एंड टेक मिरर ऑफ, टेक मिरर ऑफ अपर इनटू लोअर। रिजेक्ट लोअर हाफ एंड टेक मिरर ऑफ अपर हाफ इनटू लोअर हाफ। सबको ये बात क्लियर हो गई, लोअर हाफ को हटा देना है, ऊपर वाले हाफ को नीचे मिरर इमेज कर लेना है। अब ये फंक्शन नहीं है, देखने में समझ आ रहा है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आने लग जाएंगे। वो तो अच्छा, आप देखो फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं, मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मॉड देखो सब लोग, ये वाला बनाना है हमें। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पर्पज ये भी है कि हमें क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करना है रविंदर जी। तो अब इसमें ये नहीं करना है कि आप पहले ये बनाने लग जाओ कि ये तो सर x स्क्वायर से बनेगा, ये ग्राफ x स्क्वायर से नहीं बन पाएगा आपका। उसमें क्या बनेगा, इसके फैक्टर आ रहे हैं ना x माइनस टू x माइनस थ्री, तो पहले x स्क्वायर बना रहे हो, फिर 5x तो आप सब्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं आपको, तो वैसे नहीं बनेगा ये वाला ग्राफ। जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसी से रिलेटेड आप ग्राफ बना सकते हो, कुछ और आर्बिट्रेरी कुछ और चीज लग रही होगी वो आप नहीं बना पाओगे, तो वो तो आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। अब इसमें हमें ये पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाएंगे, जो हम ऑलरेडी डायरेक्टली बनाना जानते हैं। ये ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को, तो इसके तो दो रूट है ना, क्लियरली आपको पता चल रहा है इसके दो रूट हैं 2 और 3। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपके पास, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0.6, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है हरिंदर जी, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसमें कौन सा वाला है, वाई टू मॉड वाई, तो इसमें वाई टू मॉड वाई लगाना है, तो वाई टू मॉड वाई लगाएंगे तो आ जाएगा मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स के माइनस 5x प्लस 6। तो क्या करना है इसमें, रिजेक्ट लोअर हाफ, तो रिजेक्ट लोअर हाफ एंड टेक मिरर ऑफ अपर इनटू लोअर, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अगर आपके पास अब जैसे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो हमारे पास ये है मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6, ये ग्राफ, ये भी बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे बनेगा, पहले अब ये बताओ मुझे, ये ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो ये कैसे बनेगा। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में जोगिंदर जी, हम y वाली ट्रांसफॉर्मेशन को लास्ट में लगाते हैं। y वाली ट्रांसफॉर्मेशन को लास्ट में क्यों लगाना होता है, कुछ क्वेश्चन में तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ, अगर ठीक है कुछ क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है, बट कुछ क्वेश्चन में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आपको डेफिनेशन पता हो जो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले लिखवाई थी, हम इन जनरल y is equal to f of x में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और y को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। तो पहले आपको x की ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, फिर फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, फिर y की ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। ऐसा नहीं करना है पहले y की ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, फिर वो क्या करेगा, वो उसको गड़बड़ कर सकता है उस प्रॉब्लम को, कुछ में गड़बड़ हो जाती है कुछ में नहीं भी होती है, ठीक है, तो इधर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं भाई कभी भी गड़बड़ ना हो अर्षित जी, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसा तरीका बताएंगे जिससे गड़बड़ ना हो। तो y की ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे आप, लास्ट में लगाओगे। तो भाई पारस सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे इसमें, बहुत अच्छा बताया इस बच्चे ने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स, यही बनेगा और तो भी बना नहीं पाओगे तुम, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा बनाओगे जोगिंदर जी, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लिखेंगे, तो x स्क्वायर मॉड x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, मॉड ऑफ x स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर, मॉड ऑफ x स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर, तो आपके पास ये वाला ग्राफ बन के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6। अब इसके बाद आप क्या करोगे, f ऑफ x की जगह मॉड ऑफ f ऑफ x ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 का मॉड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, y टू मॉड y ले लोगे, तो आपके पास आयुष जी कौन सा ग्राफ बन जाएगा, जो आप निकालना चाहते हो या बनाना चाहते हो, ठीक है, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6, ये आ जाएगा। सबको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं एक्स के माइनस 5 एक्स प्लस 6, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास, बोर्ड देखेंगे अभी सब लोग, ये 0.6 हो गया, आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा,
ये हो गया टू और ये हो गया थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स टू मॉड एक्स। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या है, एक्स टू मॉड एक्स। तो क्या करना है, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ। ये अब लेफ्ट इधर पूरा ऐसे जा रहा होगा इन्फिनिटी तक, इधर देख लो भाई आदित्य जी, ये ग्राफ ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो एक्स टू मॉड एक्स में क्या करते हैं, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ। तो ये वाला जो पोर्शन था आपने इसको हटा दिया, और क्या करोगे, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ, टेक मिरर ऑफ राइट एंड लेफ्ट। तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस टू जीरो, और ये आ जाएगा माइनस थ्री जीरो। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, तो आप इस वाले ग्राफ पे आ गए, एक्स टू मॉड एक्स, रिजेक्ट लेफ्ट हाफ, टेक मिरर ऑफ राइट एंड लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, फंक्शन का मॉड। जब तू फंक्शन का मॉड लेगा तो क्या होगा, फ्लिप लोअर इंटू अपर। तो लोअर इंटू अपर करोगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन हटके कहां चला जाएगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये वाला पोर्शन हटके क्या होगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सबको समझ आ रहा है। अब देखो, अगर ऐसे आप क्वेश्चन देखो ना, अब ऐसा बन जाएगा कि जब आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर आ रही होगी तो वो कितने सोल्यूशन दे रही होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट सोल्यूशन देगी। जब वो लाइन यहां पर आएगी तो कितने सोल्यूशन देगी, फोर सोल्यूशन देगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वाई की जगह मॉड वाई। तो वाई की जगह मॉड वाई लोगे तो क्या होगा, रिजेक्ट लोअर हाफ, टेक मिरर ऑफ अपर इनटू लोअर। पहले एक्स टू मॉड एक्स किया, उसमें क्या होता है, लेफ्ट हाफ को हटाओ, राइट को लेफ्ट में लेके जाओ, फिर फ्लिप लोअर इनटू अपर किया, क्योंकि फंक्शन का मॉड लिया तो फ्लिप लोअर इनटू अपर। फिर वाई टू मॉड वाई में क्या करना है, रिजेक्ट लोअर हाफ, टेक मिरर ऑफ अपर इनटू लोअर। तो अपने पास ये ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा यहां तक, ठीक है। ये वाला ऐसे जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। इफ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आर प्रेजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वाई इज डन इन द एंड। इफ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आर प्रेजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वाई इज डन इन द एंड। ऑर्डर जनरली हम कौन सा प्रेफर करते हैं, पहले एक्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, फिर मॉड एक्स, जो भी एक्स वाली जैसे मॉड एक्स वगैरह हो गया वो लगा दी, फिर फंक्शन वाली लगाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी लगाते हैं, वाई वाली लगाते हैं। Thank you.